दोनों पति पत्नी है। और यह सच युवान को पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद युवान का फैसला होगा। मैं थारा न मारा, सिर्फ युवान का। और मैं युवान को सब सच बता के रहूंगा। ना दातोसा, आप युवान को ना बताएंगे कि बन्नी उसकी पत्नी है। बन्नी? वाह पापा साहब, मुझे आप बहुत समझदार लगते थे, लेकिन आपसे ज्यादा समझदारी इस समय बन्नी दिखा रही है। वैसे बन्नी, तुम समझदार होने के साथ साथ थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल भी हो। मुझे लगा था ये सब सुनने के बाद तुम अपना बन्नी चाओ होम डिलीवरी वाला ड्रामा शुरू कर दोगी, एहसानों के बदले में कोई मोटी रकम मांग लोगी। वैसे लड़की तुम अच्छी हो बन्नी। अब एक काम करो, अपनी स्कूटी घुमाओ और अपनी बस्ती में वापस चली जाओ। बस एक बात याद रखना, आज के बाद इस घर से, हमसे और युवान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बन्नी, बन्नी बेटा, यो क्या कर रहे तू? युवान अगर ठीक होता तो वो बन्नी की तरफ मुड़ कर भी ना देखता। बढ़िया, तो अब कोई भी युवान को ये ना बताएगा कि ये वही बन्नी है जिससे उसने कभी टूट कर प्यार किया था और फिर उससे शादी भी की थी। कोई उसे जरा सा हिंट भी ना देगा। कोई फोटो, कोई वीडियो बन्नी और युवान के रिश्ते को लेकर बिल्कुल ना दादोसा, ना कोई उसे बिल्कुल ना बताएगा कि बन्नी के वजह से युवान ठीक हुआ था, क्योंकि बन्नी भी ना चाहे कि वो युवान को किसी एहसान का बोझ चढ़ावे। लेकिन फिर आपके इस डरावने सपने के पूरे होने वाला वो दिन आवेगा जब युवान, आज का युवान जो इस बन्नी को ना पहचाने, इसी बन्नी को जो जैसी है, दिखने में, बोलने में, चालने में, काम में, छोटे घर वाली, टिफिन डिलीवर करने वाली, स्कूटर चलाने वाली, जो जैसी है ऐसी, जिससे युवान कहेगा कि बन्नी प्यार हो गया है थारे से। सही कहा था आपने, सही कहा आपने कि युवान को ना ये शादी सिर्फ किसी एहसान के लिए ना मानना चाहिए, सिर्फ प्यार के लिए मानना चाहिए और निभाना चाहिए। प्यार का मतलब आप कैसे समझेंगे? प्यार ना सिर्फ पैदा हो सके, मर ना सके, सिर्फ छुप सके, छुपाया जा सके, पर गुम ना हो सके। और इसीलिए एक दिन युवान का ये छुपा हुआ प्यार बन्नी तक पहुंचेगा। अरे पापा सा, युवान के दिमाग की सर्जरी हुई है, दिल की ना, सोच बदली है, धड़कन ना, और धड़कन में तो बन्नी धड़केगी। बस इंतजार है कि युवान को बन्नी का ये नाम सुनाई कब देगा, कब युवान का दिल उसके दिमाग तक ये संदेशा पहुंचावेगा कि
पहचान युवान, ये वही बन्नी है जिससे तूने कभी कभी सच्चे वाला प्यार किया था। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो बन्नी मान जाएगी बन्नी और समझ जाएगी कि कठे ना कठे हमारे इस प्यार में, इस रिश्ते में कोई कमी रही होगी। और कम तो कुछ बन्नी ना देवे और ना ही लेवे। अमानू की युवान आज हमारे को भूल गया, हमारे नाम को, हमारे चेहरे को, हमारे इस रिश्ते को, पर दिल तो उसका सिर्फ और सिर्फ बन्नी के लिए धड़का है। और एक ना एक दिन आप देखेंगे और समझेंगे कि बन्नी और युवान का मिलन कोई जबरदस्ती की शादी ना थी, आपस में दिल जुड़े थे। पर मैं और वो हम हुए थे, हम। और हाँ, इस घर से रिश्ता है हमारा। खापरी कोई नौकरी वोकरी ना किए जो आप कभी भी बोलो और रिटायर कर दो हमारे को। ये घर भी मारा है, युवान भी मारा है और हमेशा रहेगा। मेरा बच्चा, पानी जीते रहो। चाचा, युवान, पहचानो, बताओ कौन है ये? तेरी बहन मायरा। बहन? Really missed you भैया। वैसे आप मुझे जानते नहीं हो, लेकिन पहले मैं आपकी सबसे क्लोज वाली बहन थी और आपके सारे काम मैं ही करती थी। अच्छा। और अब है बदले का टाइम, अब मैं आपसे सारे काम करवाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। युवान, तेरी एक और बहन है पलक, यहाँ नहीं है इस समय, कॉलेज फेस्टिवल के लिए मुंबई गई है, लेकिन जल्दी आ जाएगी। अच्छा, पहचान को मैं। विराज। विराज? विराज, चॉकलेट चोर विराज, याद है? इस बंदर को इतनी प्यारी वाइफ कैसे मिल गई? भैया सर में मत। लेकिन भैया, आपको कैसे पता लगा कि ये विराज भैया की वाइफ है? पॉइंट। अब इंसान इतने प्यार से या तो अपनी वाइफ के साथ खड़े होता है या किसी चाहने वाले के साथ। वैसे रिश्ते में तो मैं तुम्हारा जेठ लगूंगा, लेकिन तुम मुझे देवर से लेके दोस्त किसी भी रिश्ते में देख सकती हो। यस बॉस। बॉस। वैसे युवान, अब तुम्हें भी कोई चाचा कहने वाला आने वाला है। चाचा? कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। अरे आप यहां भी? आप तो मंदिर में थी ना, वो पैर में वो चोट, वो कांट। हाँ जी, जा जा भी युवान।
ना जहां जहां भी भगवान हो गए ना वहां वहां मैं होती हूँ, जैसे मंदिर जैसे दिल, ऐसी जगहों पे मैं अक्सर पाई जाऊं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, आपकी तारीफ। चलो शुरू से शुरू करते हैं। बन्नी चाओ होम डिलीवरी, चाहे कोई पेट का भूखा हो या स्वाद का भूखा हो, हर भूख को मिटाने के लिए बन्नी के पास है दाल बाटी चूरमा, गट्टे का साग, कांदों का साग, टिंसली, शाही गोभी, शाही बैंगन, चटपटी तोरी, लहसुन की चटनी, युवा। और ऊपर से हमारा लाड दुलार ममता फिरे। रिश्ता है जी अपना, बड़े गहरे वाले, इस टिफिन की वजह से। तुम ना मारे हाथ के बिना खाना ही ना खाते थे किसी के हाथ से ना, सिर्फ मारे हाथ से। हाँ भैया, आप सिर्फ बन्नी की बात ही सुनते थे, सिर्फ बन्नी ही आपको समझा पाती थी। अच्छा, हाँ दादू बता रहे थे मुझे तुम्हारे बारे में। बन्नी, बन्नी ने हम सबको मना कर दिया है युवान जेठ जी को शादी वाली बात बताने के लिए, पर क्या ये सही होगा? तो डन, आज डिनर बन्नी बनाएगी। जरा मैं भी तो देखूं ऐसा क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। अरे चलेगा ना जादू मारे खाने का, मैं अब भी थारे खाने की शुरुआत करके आती हूँ। ठीक तो हो? तो पैर में जो कांटा लगा था डॉक्टर को दिखाया? अरे बन्नी की तो मसालों से दोस्ती है, हल्दी पीस के लगाऊंगी, वो खुद ही मारा ध्यान रखेगी। आओ बन्नी, बन्नी अलग है। बन्नी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुमने हमें जेठ जी को तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए क्यों मना किया? कि तुम जेठ जी की क्या लगती हो? देख चारू, ये जो मैं कर रही हूँ ना, वो हमारे और युवान के लिए अच्छा ही साबित होगा। हमारा और युवान का रिश्ता ना बहुत प्यारा सा रिश्ता है, और मैं नहीं चाहती कि कल को कोई उठ के हमारे ऊपर उंगली उठावे कि बन्नी ने युवान को ठीक करके उस पे कोई जबरदस्ती के रिश्ते को लाद दिया। बिल्कुल ना बन्नी, आग से खेल रही हो तो, अगर जेठ जी को कभी याद ना आया तो? आग खाना बढ़ाने वाली को आग से डर लागे के? उम्र भर आग से खेली हूं मैं। देख चारू, थारी चिंता अपनी जगह एकदम सही है, और हमारा विश्वास भी अपनी जगह एकदम मजबूती से खड़ो है। ऐसा कदी ना होगा कि युवान बन्नी को हमेशा के लिए भूल जाएगा। ना, मैं खाना लगा देती हूँ युवान के लिए। युवान मीठी खीर तो भूल ही गई। पता ही ना चल रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ, किसे भूल गई? समझदार लोग इसे प्यार कहते हैं, और बुद्धू लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। पता है जब हम बाबू से पहली बार मिले थे ना, तो हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही था, और तुम्हारे अंदर भी हम वही मीठी मीठी घबराहट देख रहे हैं। शायद तुम सही कह रही हो जानवी, ये पहले हमारे साथ कभी हुआ ही ना, एक नया सा एहसास है। मैं आई।
मैं बाकियों ने बुला लाऊं? बिल्कुल नहीं। अब इतना कुछ कह दिया है तुमने अपने बारे में, अपने खाने के बारे में, तो सबसे पहले तो युवान सिंह राठौड़ ही चखेगा। और अभी ठीक है, मैं भी लगाती हूँ। थैंक यू। कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ से खाना खाता था, राइट? अजीब सी बात है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन अगर आज मैं फिर से तुम्हारे हाथ से खा लूं तो शायद मुझे याद आ जाए। तब की बात अलग थी, तुम्हें अपने आप ही खा लेना चाहिए अभी। ये तो गलत बात है बन्नी चाओ होम डिलीवरी, तुम अपने ही बिजनेस के टाइमलाइन को झुटला रही हो। तभी तो बड़ा कह रही थी वो लाड दुलार ममता फिरी। तो कहाँ है वो लाड दुलार, कहाँ है वो ममता? मैं तुम्हारे हाथ से खाने चाहता हूँ, और प्लीज अब जल्दी से खिलाओ, सुगंध से ना भूख बढ़ती जा रही है। कम ऑन। लजीज खाना था, एकदम अलग ही टेस्ट है तुम्हारे खाने का बन्नी। लेकिन कल से खाना थोड़ा तीखा बनाना। वो क्या है कि युवान सिंह राठौड़ अच्छा नहीं रहा। वो मैं रोटी लेकर आती हूँ। ना बोल सके हमारा युवान। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।